हेलो एवरीवन, दिस इज कैप्टन नितेश अरोड़ा विद यू। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यू वर्क फॉर अ चार्टर कंपनी, तो एक्चुअल में चार्टर्स होते क्या हैं। तो आज मैं उसी चीज़ की डिस्कशन करने वाला हूँ आप सबसे कि चार्टर्स, व्हाट आर चार्टर्स। तो चार्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, लोग पूछते हैं कि चार्टर कंपनी क्या होती है। आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े मिनिस्टर्स काफ़ी जगहों पे प्राइवेट प्लेन्स में आते हैं, प्राइवेट जेट्स में आते हैं। तो क्या ये प्लेन्स उनके होते हैं, उनके खुद के होते हैं? जी नहीं, ये जो प्लेन्स हैं ये चार्टर कंपनीज़ के होते हैं। देर आर डिफरेंट एयरलाइंस, चार्टर कंपनीज़ भी एयरलाइंस की तरह होती है लेकिन छोटी एयरलाइंस, इनको नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो क्या रहता है कि वेरियस कंपनीज रहती हैं जिनके पास अपने प्लेन्स होते हैं एंड दे गिव दैट प्लेन ऑन हायर। जैसे टैक्सी हम हायर पे करते हैं वैसे ही प्लेन हायर पे मिलते हैं। तो दीज आर चार्टर कंपनीज। छोटी एयरलाइंस होती हैं, कुछ के पास 2 एयरक्राफ्ट्स, 5 एयरक्राफ्ट्स, ओके, किसी का वो अपना प्राइवेट प्लेन नहीं होता। तो चार्टर कंपनीज के वो प्लेन रहते हैं जो कि वो लोग हायर करते हैं एंड दे हायर इट ऑन सम हायर इट ऑन आवरली बेसिस, सम हायर इट ऑन डेली बेसिस। तो वो चार्टर कंपनीज के प्लेन हायर करके उनमें ट्रैवल करते हैं। मिनिस्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या बिग शॉट्स हैं, एयर एम्बुलेंस हो गई या आजकल एरियल फोटोग्राफी होती है या क्लाउड सीडिंग रहती है, एक नई चीज़ है जिनके लिए इन चार्टर कंपनी से लोग प्लेन हायर करते हैं। एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि साइंटिस्ट प्लेन हायर करते हैं एरियल सर्वे के लिए या फिल्म के सीन्स शूट करने के लिए प्लेन्स को हायर किया जाता है, या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, MNCs के मालिक हैं या बड़ी कंपनीज के जो बॉसेस हैं उनको ट्रैवल करना होता है तो दे हायर पर्सनल प्राइवेट एयरक्राफ्ट। तो वो इन चार्टर कंपनीज का रहता है और ये चार्टर कंपनीज उनको प्लेन हायर पे देती हैं। अब इन चार्टर कंपनीज के पास भी अपने पायलट्स रहते हैं, तो प्लेन तो पायलट ही उड़ाएगा ना। आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर है इंडियन गवर्नमेंट का तो आप इन प्लेन्स को फ्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास उस पर्टिकुलर प्लेन की टाइप रेटिंग अलग से होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग यही होंगे जिन्होंने सिर्फ बोइंग और एयरबस का नाम सुना होगा, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्लेन मैन्युफैक्चर करती हैं और लग्जरी चार्टर प्लेन बनाती हैं जो कि चार्टर कंपनीज के काम आते हैं या लोगों के प्राइवेट यूज़ के लिए लोगों ने रखे हुए हैं। सो देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास अपने प्लेन्स भी हैं, बट देर आर लॉट ऑफ चार्टर कंपनीज ऑल्सो इन इंडिया जो ये प्लेन्स हायर पे देती हैं। इन प्लेन्स को उड़ाने के लिए नॉर्मल पायलट्स चाहिए जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो, इंडिया का दिया हुआ, इंडियन गवर्नमेंट का इशूड, DGCA से इशूड कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स एक नॉर्मल जो एयरलाइन पायलट है उसके जैसी ही रहती हैं। चार्टर पायलट होने का ये फ़ायदा है कि आपको डिफरेंट एयरफील्ड्स में जाने का मौका मिलता है जहाँ पे एक नॉर्मल एयरलाइनर नहीं जाते हैं। आपको प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जहाँ पे नॉर्मल एयरलाइंस नहीं पहुँच पाती हैं, बिकॉज समटाइम्स आपको बहुत छोटे रनवेज पे लैंड करना पड़ता है, समटाइम्स आपको रिमोट एरियाज में जाना पड़ता है जहाँ पे एक नॉर्मल एयरलाइन नहीं जाती है। तो मेरे हिसाब से चार्टर कंपनीज आर चार्टर में फ्लाई करना इट्स क्वाइट गुड। ये कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनली भी फ्लाई करती हैं और डोमेस्टिकली भी फ्लाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाई करती हैं, इंटरनेशनली भी इनकी बहुत डिमांड है। बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे VIP लोग हैं जो आते जाते हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ में आते जाते हैं या कईयों को इलाज के लिए एक दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं जो इस बिज़नेस में है और इस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत डिमांड है। एंड इनकी जनरली वैकेंसीज आउट नहीं होती हैं क्योंकि चार्टर कंपनी एक छोटी कंपनी है, इनको साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 या 5 पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है, विच दे गेट इट वेरी इजीली। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो से रिलेटेड कि चार्टर कंपनीज होती क्या हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी और कमेंट हो, यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, या आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, दिस इज़ कैप्टन नितेश अरोड़ा विद यू। जय हिंद।